और आज हमारे भाईचारा ने एक बड़ी मिसाल जो है कायम कर दी है। सही है जी, खूब मदद कर दी, सारी चीज की मौज होगी, कोई कमी नहीं किसी चीज की। सरकार की तरफ तो भी आपने कुछ मदद कौन मिला जी? 5 रुपए कौन मिले सरकार की तरफ तो? अच्छा, कभी आपने आवेदन किया था? 3-4 वो फार्म लुवा ले, फिर सुने कौन बुनिया 12 भी नहीं हो गए मरे न सुना सुनाई कौन गरीब मानस की मारी तो। बिल्कुल जी, देखो गांव जागरूक किया मुरारी जी ने, पहले तो उनका धन्यवाद करता हूँ मैं मुरारी जांगड़ा का। वाह, भाईचारा भाई मुरारी जांगड़ा ने जगा दिया जी। आज से 4-5 दिन पहले हम लाइव आए थे गांव कैरू से, और ये एक परिवार था। अब देखो वो मकान नहीं दिख रहे, अब चारों तरफ टेंट ही टेंट नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है? तो बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि भाई इतने बड़े बड़े समाज सेवक यहाँ पहुँच जाएंगे। और भाई बहुत बड़े ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखी, वो 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने वीडियो देख ली। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले मदद करके गए और अब भी आए। हमारे गाँव कैरू के सरपंच साहब भी आए हैं, पूर्व प्रधान गौशाला के जगदीश सिंह जी आ रहे हैं, लाला जी इसको कहते हैं, और भाई हमारे स्टार सुंदर न्यूज़ से हैं दिनोद से भाई, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो हमने नू कही थी भाई कैरू गांव से भी हाथ जोड़ के विनती है कि मदद के लिए आ गाओ। आज तक भाई गांव एक भी इसे गांव ने इतनी मदद नहीं करी जिसने कैरू गांव में जिसने मदद करी है, कैरू के गाँव के व्यक्तियों ने करी है मदद। ये तो उनकी सबसे पहले बताओगे आपने 5100 रुपये फिलहाल जो सरपंच हैं श्याम सुंदरपाल जी कैरू गांव से, और 2 कमरे के चौके पत्थर 2 कमरे आ गए भाई राम सिंह सनोप टेक चंद्रंगा गांव कैरू से, 31 बर्तन और 2100 रुपये ये इन्होंने दिए। जोरदार ताली बजा दे भाई। पर 11000 रुपये सेठ गोविंद गोयल जी कैरू से, 11000 रुपये सेठ बजरंग खेमका कैरू से, और 70000 बाबा दिल सुख सेवा समिति अभी तक इकट्ठे कर लिए हैं गांव में, चंदा इकट्ठा कर ला रहे हैं बेटे के लिए, और भी इकट्ठा होगा। और एक सबसे बढ़िया बताऊँ मुहिम इन्होंने एक शुरू करी है कि गांव में जिस भी बेटे की शादी होगी ये समिति उस बेटे की शादी में 1100 रुपये परमानेंटली हो गया, 1100 रुपये कन्यादान करेगी। जोरदार ताली बजा दे भाई। ऐसी कमेटी गठित होनी चाहिए हर एक गांव में, पोजीशन का घर आया तो फालतू भी। और इस प्रकार की जो भी कोई भी परिवार होगा तो कमेटी 24 घंटे तैयार खड़ी है और भी मदद करेगी। बढ़िया से बढ़िया। और भाई टेंट वाले भाई कहाँ हैं? डब्लू राठौड़ जी, स्तेंद्र राणा, मिन्नू तवर, ये तीनों भाई एक साथ मतलब टेंट का काम करते हैं। इन्होंने इस बेटी की शादी में फ्री टेंट की सेवा दी है, 1100 रुपये कन्यादान किया है। तो बहुत 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 बढ़िया भाई साहब, आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया। कैरू से फिर आगे भाई देख लो, राधे कैटरिंग के मालिक राजा तंवर जी इनके भाई हैं, उनकी तरफ से कैटरिंग का काम जो टेंट में होता है वो फ्री किया जाएगा। देखो रंग लग गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया रंग लग गया भाई, उम्मीद से ज्यादा रंग लग गया। देखो ये बताने लग रहे हैं, और ही भाई वीडियो ने शेयर मार दो, बढ़िया किसी जरूरतमंद परिवार तक पहुंचेगी। और फॉलो कर लियो थोड़ा साहब की बार कही है मैंने पिछली बार, कही पेज को फॉलो कर लियो भाई, ठीक है? ये बाबा हलवाई के बाबा हलवाई है कैरू से, फ्री सेवा दी इन्होंने लड़की की शादी में, जितना भी हलवाई काम है वो सारा फ्री करेंगे ये। और इसके अलावा ये 10 आदमी यहाँ आए हुए हैं, 10 के 10 ने 500-500 रुपये कन्यादान भी कराया इस बेटी की शादी में। देखो ये होती है सेवा है। समीर खान सनोप यामिन खान देखो हमारे धर्म से भी अलग हैं लेकिन अपना फर्ज निभाने के लिए आए हैं। 5100 रुपये नगद कन्यादान, 1 चुटकी की जोड़ी, 1 चांदी की अंगूठी जी, हाँ, 1 प्रेस, 1 कम्बड़, 5 सूट, 3 पेंट शर्ट, और जितनी भी बहन बेटी आई है ना, जितनी भी यहाँ बहन बेटी आई उनको 100-100 रुपये दिए हैं भाई। देखो उनको 100-100 रुपये दिए हैं। तो एक समाज को संदेश दिया इस भाई ने कि भाईचारा बनाए रखो, ठीक है भाई? और मदद एकता संगठन जो है की तरफ से जिनके संचालक सुशील फौजी भाई हैं, वीडियो देख करके जागरूक हुए, उनका भी एक ग्रुप है, वो ग्रुप कन्यादान इकट्ठा करता है और मदद पहुंचाता है। उन्होंने जो है एक सिंगल बेड दिया इनको और एक गद्दा दिया है जी, साथ में सामान आ रहे हैं ना आपको, तो सारा 1 टेबल, 1 अलमारी, 1 संदूक, 1 प्रेस, 2 कुर्सी, ये उन लड़कियों के लिए, लड़की के लिए उन्होंने उस ग्रुप ने किया है। और गुरु चेला विप्र मंडली
कुड़ल से आनंद शर्मा, कहाँ जी वो गए, वो जी गए वो, तो 4 साड़ी 2 पेंट शर्ट 11 बर्तन 2100 रुपये कन्यादान, एक चांदी का सिक्का दे गए हैं भाई। देखो दूर दूर से आ रहे हैं, लाड़ी गांव से भी एक आई थी जी, कितने रुपए दे गए जी? 1500। एक बहन आई थी लाड़ी गांव से भी भाई, 1500 रुपये और 9 सूट दे गई है वाह, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा सुनील शर्मा जी कह रुसे है ना, सुनील शर्मा जी भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक कूलर और एक मिक्सी मशीन दी है, कूलर की कमी रह गई थी जी, कूलर भी आ गया आपका। बजरंग रंगा जी कह रुसे एक बड़ा थार कूलर परिवार के लिए दिया है भाई, क्योंकि गर्मी में तपे थे, मैंने आपने दिखाई थी टैना का हाथ लगा के ना कि टैना में कोई रह कौन सा है, तो इतना बड़ा कूलर दे दिया, वो चिल्ल मारेगा एसी बना देगा उसने, लेकिन एसी तो काम कौन चलो भाई, आप इन मकान बनाना से, आप इन सारे मिलकर मकान बनाना से। राकेश जांगड़ा भिवानी से आए, 2 साड़ी 2 सूट 1 पेंट शर्ट और 500 रुपये कन्यादान और एक कप सेट, जो कि चाय पीने का सेट होता है पूरा, उसमें कप कटोरी कुछ होते हैं इस प्रकार से होती हैं, तो इनने जो मदद करी है। अरे भाई आगे हमारे लिए बात है, मारती जिस भाई ने जितना भी सहयोग करे, किसी ने 5100 करे, किसी ने 1100 करे, किसी ने 500 रुपये करे, बहुत दूर दूर से आए, तो हमारे पास जो टोटल रुपये आए थे 82,500 रुपये, लाइव बता रहा हूँ आपको मैं, 82,542 रुपये हमारे पास आए हैं अभी तक, जिसमें से इस परिवार को हम 71,000 रुपये की मदद कर रहे हैं, और 71,000 रुपये आप दे दो जी, आप आ जाओ जी, आगे आ जाओ, ये लड़की की माता जी हैं, 71,000 रुपये जी है सबके सहयोग से आए हैं जी, ठीक है जी। इसके अलावा 2100 रुपये कन्यादान हमारी नए कमाई में से गुड़िया के लिए कर रहे हैं जी, ठीक है जी। तो हिसाब बता दूँ भाई, केला भी इबला भी, क्योंकि 1 रुपये का हिसाब मात्र मिलेगा आपने, 11,542 रुपये हमारे पास बच गए अब, और 8,458 रुपये पहली बच रहे थे, यानी कि अभी हमारे जो संगठन है इसके पास में 20,000 रुपये जमा है, जैसे कोई अगली लड़की कोई भी इमरजेंसी में कोई भी आएगी वो उसको दिए जाएंगे, तो ये अभी तक इतना सहयोग आया है, और इस परिवार के पास में और भी सहयोग आएगा, तो मैं सबसे पहले 10 पहले दे गए थे 61 दे दिए गए, हाँ 10 पहले भी दे गए थे जी, 61 दिए हैं ना, तो 10,000 रुपये पहले दिए गए थे, हाँ जी 10,000 रुपये पहले मिले थे ना आपने, हाँ तो 71,000 रुपये हो गए ये, ठीक है जी। हाँ आपने बहुत वो कराया इसका, हम इसके लिए समय कम मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और बिटिया की शादी बढ़िया धूमधाम से सारा गांव अपनी बिटिया समझ के करेगा, इसके लिए हम सारे आपके धन्यवाद हैं, और सारे गांव का धन्यवाद करते भाई। फिलहाल जो आपने देखा होगा भाई, एक मुरारी जांगड़ा के जो पेज थे वीडियो वायरल हुई थी, गरीब परिवार की आर्थिक मदद खातर लड़की की शादी थी, तो उस घर में आज पूछे हाँ, और तमाम जो आप देखने लग रहे हो गांव के मौजूदा जो आदमी है, सरपंच साहब है और प्रधान जी है लाला, वे भी जो है आ रहे हैं परिवार के साथ में खड़े है, तो उनसे बातचीत करांगे। तो राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। और कैसे हो? ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है, तो जिस प्रकार लड़की की वीडियो वायरल हुई थी, सब भाईचारा जो है आज एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी, मैं पूरे भाईचारे का धन्यवाद करूं भाई मुरारी का, जो उन्होंने एक वीडियो डाली भी गरीब परिवार की, तो पूरा भाईचारा जगह एरिए के आदमी जगे, और भाई भी 71,000 रुपये कन्यादान भाई मुरारी जांगड़ा लेके आए, सभी भाइयों जिस भाई ने भी 71,000 रुपये में अपना योगदान किया उनका भी मैं धन्यवाद करूँ हाथ जोड़ के ने, और पूरे गाँव की 36 बरादरी की एक बाबा दिल सुख सेवा समिति युवा साथियों ने मिलकर मनाई है, तो उन साथियों का भी मैं सबका गाँव की 36 बरादरी के जो युवा साथी हैं उनका भी धन्यवाद करूँ हूँ, और भाई गांव के युवा जागे आगे भी कोई ऐसा परिवार होगा गांव में होगा या गांव के आसपास होगा, तो ये बाबा दिलसुख सेवा समिति उसकी मदद करेगी, कहीं आसपास होगा उसकी, क्योंकि इस चीज की मदद नहीं है कि वो कया करा भाई, सोया हुआ भाईचारा भी जगा गया, सोया हुआ भाईचारा भाई मुरारी जांगड़े ने जगा दिया जी, और युवाओं की एक टीम खड़ी कर दी, मैंने विश्वास सही टीम उल्टी नहीं हटेगी, 36 बरादरी की टीम है ना कि किसी की, पूरा गाँव ने मिलके समिति पूरे गांव की सहमति से समिति बनी है, और पूरा गांव इस समिति से जुड़े, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से गांव को भी कहना चाहता हूं भाई, ये सबकी समिति है बाबा दिलसुख सेवा समिति, पूरा गांव के युवा साथी जुड़े, इसमें कोई भेदभाव नहीं, समिति सबके लिए बराबर है।
तो भाई फिलहाल जो आप देख लो कैरू गांव के अंदर जो ऐसी वीडियो वायरल हुई, ग्राम पंचायत ने और पूरे गांव ने जो मिलके एक सेवा समिति बना दी, बाबा दिल सुख सेवा समिति, जो कि गरीब बेटियों की शादी के लिए और चाहे अमीर बेटी हो चाहे गरीब हो उनका जो कन्यादान करने का काम करेगी। तो पंचायत के जो है सरपंच साहब है वे भी है अपने साथ में। तो राम राम सरपंच साहब। राम राम साहब, राम राम। और कैसे हो? ठीक है चौहान साहब। तो और जिस प्रकार जो है बात लाला ने बताई है भाई, पंचायत ना गांव राम की सहमति से एक जो है समिति तैयार करती है। बिल्कुल जी, देखो गांव जागरूक किया मुरारी जी ने, पहले तो उनका धन्यवाद करता हूँ मैं मुरारी जांगड़ा का, और फिर धन्यवाद करता हूँ मेरे युवा साथियों का, मेरे गाँव के जो युवा साथी जिन्होंने ये समिति बनाई और हमने भी सारा गाँव ने सहयोग किया इसका, सारे 36 बिरादरी के गाँव राम ने इसमें बिटिया का शादी में सहयोग किया और ऐसी मुहिम जो इन्होंने चलाई बच्चों ने, सबसे पहले इन बच्चों का धन्यवाद करता हूँ और आगे भी इनके कदम कदम पे हम खड़े रहेंगे, इनका साथ देंगे और आगे भी कोई गरीब बच्ची की शादी होगी तो ऐसा ही सहयोग करेंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है और अच्छी शुरुआत की है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ इन बच्चों का और धन्यवाद करता हूँ मेरे गाँव राम का। मेरा गाँव राम दानी गाँव है, हरेक मामले में हरेक कभी किसी प्रकार का कोई भी पर्ची लेके चंदा लेके चला जाए भाइयों करना तो मेरा गाँव मना को नहीं करे। तो इसमें बात करा भाई जिस प्रकार देखा हाँ भाई किसी नेता की उस पर जो है किसी प्रकार की आर्थिक मदद वगैरह, देखो आना चाहिए नेताओं को, नेताओं को देखो सबको कहता हूँ मैं, इस तरह जैसी जो स्थिति होती है ऐसे गरीब परिवार की मदद करनी चाहिए। मैं तो नेताओं को अभी कहता हूँ कि भाई आज का दिन है कल का दिन है, मैं तो यही गुहार लगाता हूँ कि भाई नेताओं को यहाँ पहुँचना चाहिए, जैसे भी अपनी मदद हो वैसी करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ जी नेताओं को जरूर आना चाहिए ऐसी स्थिति। तो फिलहाल जो देख लो भाई जो बात लिखकर क्या हुआ, यहाँ पर कोई नेता कोई मिनिस्टर नहीं पहुँचा है और किसी प्रकार की सरकार की तरफ से भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। जिस प्रकार गाँव के जो टीम है जिसके पास टेंट था उन्होंने टेंट लगा दिया, जिसके पास हलवाई था वो हलवाई आया, जिसके पास राशन था वो राशन ले आया और जिसके पास जो है अपना गाट में पत्थर थे वे अपना भाई पत्थर ले आए। तो टेंट वाला भाई जो है अपने साथ में जुड़ रहा है जो दादी सती राय कवर राय जी की जो टेंट है वे भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब, मैं सारे भैया ने पहले तो राम बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया शादी की व्यवस्था बिठाई जा रही है, बहुत सारे भाई मिलजुल के सारे काम कर लग रहे हैं अपने लाला जी प्रधान जी और सुंदरपाल जी, ये खूब मदद कर ला रहे हैं। बार बार मैं फ़ोन करके फलाना काम यो इसमें कमी है इसमें या कमी है ये मतलब समझाओ हम कर ला रहे हैं जी। तो फिलहाल जो है आप देख लो पूरा जो है गांव की जो है भाईचारा आज जो है एक साथ में है और एक साथ जगा दिया है मुरारी जांगड़ा ने, यो भाईचारा जो है इनका सुत्या पड़ा था आज वो भाईचारा जगा दिया और एक नई मिसाल जो है इनने कायम कर दी है। भाई कन्यादान जो ग्रुप है सेवा समिति बाबा दिलसुख सेवा समिति एक बना दी है भाई, इस शादी में जिस प्रकार भाई एक अलग जगाया है तने और सोया हुआ समाज भाईचारा जगाया उसके लिए भाई हम भी जो इतना दिल से धन्यवाद करा। हाँ हम तो अलग जगाने के लिए निकले हुए हैं, मैं तुम कहूँ जितने जाग सको उतने जाग जाओ और आप भी सब ने जगाओ। देख हम लग रहे हैं आप भी हमारे साथ लगो, हमारी तरह आप भी लगो भाई, किसी भी बहन बेटी कोई भी जरूरतमंद परिवार हो उसकी मदद करो आगे आके ने। अच्छा भाई एक बात होता है, ये नेता मिनिस्टर ये सिर्फ वोट लेने का ही काम करेगा या कुछ समाज मन्नत नु लगा आज इन्हें साबित कर दिया, मैं जड़ा भी मदद करने खतर गया उन्होंने नेता मंत्री को पाऊँ मैंने, लेकिन वोट मांगने खातर मेरे घर ही पाऊंगे, मुरारी वोट दवाई दे मुरारी वोट दवाई दे भाई, मैं नूटल आदमी हूँ, मैं उसे आदमी उसे नेता का हूँ जो गरीब की मदद करेगा मेरे तो गिले जाए कि सीधी बात है, मैं नूकुन गंदा लाख दो लाख करो आड़ा आके ना मदद कर जाओ आप, ठीक है बिल्कुल जम्मा सीरियस कंडीशन हुआ बात है, मदद नीचे खाली सिर्फ आदर जाओ सिर्फ आदर जाओ हाजिरी लगा जाओ है थारा पर, लेकिन टेम कड़ा है टेम कोनी वोट मांगने खातर बड़े बड़े हाईवे रोड को पुराने खातर गाँव में गाड़ी हंडाने खातर टेम मिल जाए नेता ने, लेकिन गरीब का गरीब आ जाएगा बरण दी आ जाएगा भीतर जाके छात नहीं देखेगा, जिस दिन छात देखना गा उस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा अपने देश में। अगर कोई नेता आता तो इतनी बढ़िया जो है शादी धूमधाम तक नहीं होती जितनी की इस भाईचारा ने कर दी। बिल्कुल जी हम तो राजनीति से बहुत दूर हैं, ना तो हम राजनीति में सा और ना कदे पाऊँगा, पूरी टीम हमारी हम राजनीति से संबंधित कोई बात नहीं करते कभी भी, हम समाज से जुड़े हुए हैं, भाईचारा हमारी क्षति है और भाईचारा ने हमारा काम पसंद आओ है तो हमारा हमारी क्षति मिलकर सहयोग भी पहुँचाओ भाई। सही हाँ जी खूब मदद कर दी सारी चीज़ा की मौज होगी कोई कमी नहीं किसी चीज़ की, गाम राम ना अपना लाके खूब मदद कर दी सारी डाल के। अच्छा तो के कुछ सामान जो है आ गया है सारी चीज़ आ गई
बेड कुर्सी सोफे अलमारी जो चीज जरूरी हो जो चीज चाहे अगर वे सारी आगे घर की जरूरत गरीब की जो चीज हुआ कर नून मेरे चाची उससे ही भी आ गई। अच्छा तो और अपना भाई सरकार की तरफ से भी आपने कुछ मदद किमे को नहीं मिला जी किमे को नहीं मिला हाँ। तो पहले कभी मिली हो जिस प्रकार मकान देखा है भाई भवन निर्माण की जो चल रही है और यो भवन निर्माण इनका जो आप देख लो टीना की जो है छत है 5 रुपए को नहीं मिले सरकार की तरफ से। तो अच्छा कभी आपने आवेदन किया था 3-4 वो फार्म लुवा ले फिर सुने कौन बने 12 भी नहीं हो गए मरे न उसने। अच्छा जो विधवा पेंशन हुआ हाँ 3 वो कागज लुवा ली हुए रद्द हो लिए और क्या देंगे सरकार की मैं कौन देना है। हाँ जी वहाँ वोट लेना भी तो खड़े जाने करवाना आज को नहीं मैं खड़म पड़े तो भाई देख लो फिलहाल तो है ये नेता मिनिस्टर और सरकार की भी कोल खोला है राम ना मकान के ना तीन क्या है ना फिलहाल तो ये देख लो भाई आप सरकार की भी जो है ना पोल खुला है उरा है क्योंकि जिस प्रकार सरकार जो है दावा कर रहा है कोई भी सरकार हो या हम एक सरकार को ऊपर नहीं करते हम एक सरकार को ऊपर नहीं हो करते कोई भी सरकार हो सभी की जो है या पोल खोला है अच्छा है मुझे भाई तो सभी की जो है या पोल खोलने लग रही है जिस प्रकार ये साइड में दिखाते भवन निर्माण भवन निर्माण के पैसे जो सरकार का दावा है लाखों रुपए भवन निर्माण के लिए जो है ना गरीबों को अनुसूचित जाति वर्ग को पिछड़ों को जो है भवन निर्माण के लिए यूज किए ये देख लो भाई यूज कर रखा है ठीक है कुछ और सरकार वो भी दावा कर रहा है भाई हमने तो है बिना कागजी कार्रवाई करे जो है ना सीधी जो है जिसको जरूरत होती है उसके खाता में पेंशन भेजी तो या जो है लड़की की माता है या सारी बताने लग रही है आज लगे एक साल एक वर्ष हो गया आज तक पेंशन नहीं मिली है कागत बन के कोई सुनाई कोनी गरीब मानस की मारी तो ये सारी सरकार की पोल खुलन लग रही है जहाँ सरकार जो है बड़े बड़े वादे करा है तो इस घर में आके देख लो भाई सरकार के वादे करा है के नहीं करा है कैरू गांव के अंदर यो मकान है जिसमें एक गरीब लड़की की जो शादी थी इसमें काम आया कौन काम आया भाईचारा जिन है अगर हमारा कोई है तो हमारा भाईचारा है और आज हमारे भाईचारा ने एक बड़ी मिसाल जो है कायम कर दी है। तो भाई जो है उस भाईचारा का और काम राम का भी तो दिल से धन्यवाद करता हूँ आज इस बेटी की जो है शादी बड़ी धूमधाम से करी है तो शायद ही अगर कोई नेता आता तो ये शादी इतनी धूमधाम से होती लेकिन भाईचारा सबसे बड़ी चीज होती आज पूरी धूमधाम से यह शादी हुई तो लगातार दर्शकों ये कहूँगा वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि सभी भाइयों का जो है ना हौसला बना रहा है और इसी प्रकार भाईचारा वो कायम रखा है ना कि पार्टी बाजिया में बढ़ा है तो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो भाई और हमारा पेज ने फॉलो कर लिए सब्सक्राइब कर लिए जय हिंद जय